बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 16 फ्रॉम योर नॉवल मिस्टर चिप्स। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी दैट हाउ मिस्टर चिप्स मेक हिज विल एंड हाउ इज ही स्पेंडिंग हिज लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। इन दिस चैप्टर मिस्टर चिप्स रिटायर्ड लाइफ इज डिस्कस्ड इन डिटेल। इट्स बीइंग 15 ईयर्स एंड ही वॉज स्टिल इंजॉइंग अ गुड हेल्थ एंड गुड फाइनेंशियल स्टेटस। He was satisfied with his life. He liked summer as winter made him sick. Sard hawaon ki wajah se usko saans ki takleef ho jati thi and due to that he never went abroad. Brookfield was the only place where he felt peace and tranquility. Brookfield mein usko sukoon bhi milta tha aur usko acha mehsoos hota tha. इन एडिशन इसके अलावा विजिट ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स के जो न्यू स्टूडेंट्स थे और उसके ओल्ड स्टूडेंट्स जो थे दे कम टू विजिट हिम एंड इट वाज डिलाइटफुल फॉर हिम स्पेसिफिकली इन समर। ख़ास तौर पे समर में गर्मियों में बच्चे जो थे वो उससे मिलने आया करते थे। तो दो वजहों से मिस्टर चिप्स को समर का सीज़न पसंद था। विंटर उसको इसलिए नापसंद था कि उसको सांस की तकलीफ़ हो जाती थी, समर में उसको इस तकलीफ़ से छुटकारा मिल जाता था और साथ ही बच्चे जो उसको विज़िट करने के लिए आया करते थे वो उसके लिए एक बड़ा डिलाइट था। दे केम इन ग्रुप सम टाइम्स एंड इट मेड हिम टायर्ड बट ही रियली इन्जॉयड देयर विजिट। वो थक जाता था ख़ासतौर पर तब जब बच्चे ग्रुप की शक्ल में उसके पास आते थे, बैठते थे और बातें किया करते थे, लेकिन बहरहाल वो उनके साथ इन्जॉय करता था। ही ऑल्सो क्रैक जोक्स लाइक ग्रेक्सन हु वॉज हिज स्टूडेंट एंड ही सेड जो उसके पास पुराने स्टूडेंट्स आते थे उनके साथ अपनी मेमरीज रिकॉल करता था और वो कहता था जैसे उसका एक स्टूडेंट उसके पास आया और उसने कहा आप हर चीज़ देर से करते थे और लगता है बूढ़े भी देर से ही होंगे। और उनके जाने के बाद वो ये सब बातें मिसेस विकेट के साथ भी डिस्कस किया करता था। He stood at the window and looked at the line of new students. वो ब्रुकफील्ड के बाहर मतलब जो हाँ मिसेस विकेट्स के घर वो रहता था वहाँ पर वो अपनी खिड़की में खड़े होकर नए स्टूडेंट्स को जाता हुआ देखता होता था। He thought about the old ones. He recalled their names. He missed them so much. वो उन सबको जो उसके पुराने स्टूडेंट्स थे वो उनको भी याद करता था और उनके नाम तक उसको याद थे और वो उनको कहता था कि आप सब लोग कहाँ चले गए हैं। वक्त चेंज हो रहा था, चेंजिंग टाइम्स, न्यू बॉयज़ विद न्यू नेम्स वर देयर बट देयर वाज अ स्पेसिफिक प्लेस ऑफ ओल्ड बॉयज़ इन द मेमोरीज ऑफ मिस्टर चिप्स। आफ्टर वर्ल्ड वॉर आर डिकेड स्वेप्ट एंड मिस्टर चिप्स वॉज डिसअपॉइंटेड। वर्ल्ड वॉर जो थी उसको ख़त्म हुए हुए एक दहाई गुजर चुकी थी और मुल्क में क्या था, बदनज़मी थी, अनइक्वालिटी थी और ये सब चीज़ें मिस्टर चिप्स के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट का बाइस थी। व्हेन ही लुक अब्रॉड ही बिकेम वेरी अनईज़ी बट फॉर हिम ब्रुकफील्ड एंड इंग्लैंड वॉज स्टिल अ चार्म। अभी भी उसके लिए इंग्लैंड और ब्रुकफील्ड जो थे वो दोनों तसल्ली का, खुशी का बाइस थे। As they did not go with much changes, क्योंकि उसको लगता था कि वो अपनी रवायात को कायम रखने में और अपनी रवायात को सेव रखने में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। They were successful in keeping their tradition. The boys, however, were much politer. बच्चों के बिहेवियर में चेंज आ रहा था, वो पहले से ज़्यादा पोलाइट हो चुके थे, लेस बुली, वो दूसरे बच्चों को कम तंग करते थे। हाँ, देर वर मोर स्वेयरिंग एंड मोर चीटिंग, अब बच्चे ज़्यादा कस्में खाते थे और धोखाधड़ी का ट्रेंड जो था वो ज़्यादा बढ़ रहा था। स्टूडेंट्स एंड द मास्टर नाउ वर डिवेलपिंग फ्रेंकनेस एंड फ्रेंडशिप। स्टूडेंट्स और टीचर्स के दरमियान जो थी एक फ्रेंकनेस का लेवल कायम हो रहा था एंड इट वॉज नॉट अ थिंग विच मिस्टर चिप्स कैन हैंडल। मिस्टर चिप्स इसको यूँ समझता था कि एक तरफ तो टीचर का रोब और उसकी अजमत कम हो रही है, दूसरी तरफ जो है वो बच्चे उनका अदब करना छोड़ते जा रहे हैं। जैसे एक मास्टर जो थे वो न्यूली ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए थे और उन्होंने सिक्स क्लास के बच्चों को अलाउ कर दिया था कि वो उनका नाम लेके उनको पुकार सकते हैं। बट मिस्टर चिप्स एक्चुअली डिड नॉट लाइक दैट। ओके, इंसिडेंट ड्यूरिंग जनरल स्ट्राइक ड्यूरिंग 1926 ड्यूरिंग द स्ट्राइक
boys filled the cars with food. It touched Mr. Chips a lot. 1926 में जो इंग्लैंड के कोल माइनर्स थे, कोल माइनर्स में जो कोयले की कान में काम करने वाले मजदूर थे, उन्होंने अपने राइट्स के लिए जो थी आवाज़ उठाई थी और उसके लिए 10 दिन की एक स्ट्राइक हुई थी. मिस्टर चिप्स इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए. इट वॉज़ मोर इफ़ेक्टिव दैन द वर्ल्ड वॉर. मिस्टर चिप्स को ये बात वर्ल्ड वॉर से भी ज़्यादा बुरी लगी. मतलब अभी मज़ीद कुछ और होना बाकी था, कुछ ऐसा हो रहा था जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल था. बहरहाल इंग्लैंड फाइनेंशली अपने आप को वॉर के बाद काफ़ी मजबूत कर चुका था. वंस ऑन स्पीच डे फंक्शन एन अमेरिकन विजिटर लेट स्ट्रेस ऑन द कॉस्ट ऑफ स्ट्राइक. उसने अमेरिकन विजिटर जो था उसने बड़ा स्ट्रेस देके बात की कि इस स्ट्राइक का मुल्क को कितना नुकसान हुआ है. लेकिन मिस्टर चिप्स ने बड़े ही ह्यूमरस वे में और बड़े ही अच्छे अंदाज में इस चीज़ को डिफेंड किया कि इंग्लैंड में 10 दिनों की स्ट्राइक होती है, बट देर वॉज नो गन शॉट एंड नो बडी वॉज डेड. इससे ज़्यादा नुकसान तो अगर अमेरिका में किसी लाइकर सैलून पर हमला हुआ होता तो हो जाता. इंग्लैंड ने, यानी उसके कहने का मतलब ये था कि इंग्लैंड के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, बहरहाल इंग्लैंड ने बाकी ममालिक के लिए और दुनिया में पीस कंटिन्यू रखने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की हैं. एंड ऑन दिस जोक एवरीबडी लाफ्ड. मिस्टर चिप्स वॉज नाउ गेटिंग अ रेपुटेशन ऑफ अ ग्रेट जस्टर. जस्टर मीन कॉमेडियन. अब वो अपने ह्यूमर के लिए बहुत मशहूर होता चला गया. When he talked about people, people already prepared their mind to be amused and he satisfied them well. जब भी वो बात करने के लिए खड़ा होता तो लोग पहले ही अपना दिमाग बना लेते हैं, मतलब वो अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करके रखते थे कि अब मिस्टर चिप्स कोई ऐसी बात कहेगा जिससे उनको हंसी आ जाएगी या वो अम्यूज होंगे, वो इंजॉय करेंगे. After 1929, he never went out of Brookfield. He was afraid of cold. अब मिस्टर चिप्स जो थे वो, उन्होंने ब्रूकफील्ड से बाहर आना जाना जो था वो बिल्कुल बंद कर दिया था क्योंकि उनको सर्दी से डर लगना शुरू हो गया था. He mostly stay at home. ज़्यादातर वो घर में रहते. He was feeling old and tired. He was having physical weakness. अब उनको he was not having any kind of personal tension. किसी किस्म की उनको personal tension नहीं थी. He stayed at home and continued his treats to the old school boys. He was in good health. No personal or financial worries. His income was more than his expenses. उसकी जो income थी वो उसके अखराजात से भी ज़्यादा थी. He was courteous. बहुत मेहरबान दिल का था. He gave his money to the people with hard luck. वो गरीब लोगों की मदद किया करता था. He also funded the school poor students. बच्चों को भी help किया करता था और Brookfield के mission में भी पैसे दिया करता था. 1930 में उसने ही मेड हिज विल. कुछ रकम तो उसने मिसेस विकेट्स और स्कूल के मिशन को दे दी थी और बाकी उसने एक ओपन स्कॉलरशिप जो था उसके लिए पैसे दिए जो कि मुस्तहिक तलबात के लिए थे. उसने अपनी बाकी की रकम जो थी उसके लिए वक्फ कर दी थी. 1931 से 1932 का जो टाइम था, पीपल वुड आस्क हिम क्वेश्चंस अबाउट मैनी डिफरेंट थिंग्स. ही वॉज एक्सपीरियंस्ड. वो एक तो तजर्बे में ज़्यादा था, दूसरा दे कंसीडर हिम लाइक सम प्रॉफिट और इंसाइक्लोपीडिया. वो उससे इतने सवाल करते थे जैसे कि वो कोई आगे आने वाले हालात का जानने वाला कोई पैगंबर समझते थे उसको, या फिर वो उसको एक इंसाइक्लोपीडिया समझते थे. और इवन दैट दे थॉट हिज आंसर वुड बी ह्यूमरस. और कभी कभी तो उसको उससे वो मजाकन सवाल किया करते थे कि अब जो मिस्टर चिप्स इसका जवाब देगा वो कितना मजाइया होगा, उनको कितना मज़ा आएगा ये बात सुन के. वो उससे पूछा करते थे, इवन के जो स्कूल के छोटे बच्चे थे वो भी मिस्टर चिप्स से सवाल किया करते थे. जैसे वो पूछते थे कि उसके रिव्यूज़ क्या है हॉवर्ड के बारे में. हॉवर्ड जो था ही वॉज 31st प्रेजिडेंट ऑफ USA. ही वॉज हाईली सक्सेसफुल इंजीनियर एंड रिलीफ एडमिनिस्ट्रेटर इन वॉर रेड कंट्रीज.
जो कि हमने अभी पढ़ा था कि एक स्ट्राइक हुई थी कोल माइनर्स की, तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसने हैंडल किया था होवर ने. एंड दे वुड डू जनरल डिस्कशंस विद हिम फॉर जर्मनी फाइट अनदर वॉर. हैव यू सीन सिनेमा, मतलब वो मिस्टर चिप्स से ये सवाल भी करते थे कि क्या उन्होंने सिनेमा देखा है या नहीं. और इसके जवाब में मिस्टर चिप्स उनको बड़े मजाया अंदाज में जवाब देता था कि द स्टूडेंट्स आस्क हिम एज इफ ही नो वट वॉज दिस वॉज, एंड चिप्स रिप्लाई डेट ही इमेजिन दैट इट वॉज सम काइंड ऑफ सॉसेज. यानी कि सिनेमा जो था उस ज़माने में नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था, और एक मशीन थी जिसके ऊपर वो सारी पिक्चर्स जो थी वो लगाई जाती थी और वो प्रोजेक्टर आगे चला करता था. तो जब मिस्टर चिप्स से पूछा गया कि क्या आपको पता है ये ऑर्गन क्या चीज़ है, ये इंस्ट्रूमेंट क्या चीज़ है, तो मिस्टर चिप्स ने कहा अच्छा ये इंस्ट्रूमेंट है, मुझे तो लगता था शायद ये किसी सॉसेज का नाम है. एंड द स्टूडेंट्स लाफ, और वो इसकी इस बात पे हंसते और वो आगे अपने दोस्तों को बताते. एंड दे रिटोल्ड द न्यू जोक ऑफ मिस्टर चिप्स टू एवरीवन, वो हर एक को मिस्टर चिप्स के जोक के बारे में बताते थे. सो इन दिस चैप्टर, इफ़ वी समराइज दिस चैप्टर, हमें यहाँ पे तीन चीज़ें जो हैं पता चलती हैं. नंबर वन, कि हाउ मिस्टर चिप्स वॉज स्पेंडिंग अ हेल्दी लाइफ, एक केयर फ्री ज़िंदगी गुजारा था, उसको पैसे की कोई कमी नहीं थी, बल्कि उसने अपनी वसीयत भी तैयार कर दी थी. दूसरा, उसका स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन कितना अच्छा था. तीसरा, मिस्टर चिप्स की एक ब्रॉड व्यू जो था, जो दुनिया के बारे में था, इंग्लैंड के बारे में था, हमें उसके बारे में पता चलता है. मिस्टर चिप्स की अनईजीनेस पता लगती है जब उनको पता लगता है कि मुल्क में स्ट्राइक्स हो रही हैं. बहरहाल वो अपनी कंट्री को डिफेंड करते हैं हमेशा हर एक के सामने. सो दिस वॉज योर चैप्टर. इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपसे पूछा जा सकता है कि मिस्टर चिप्स जो थे उन्होंने अपनी विल कब तैयार की थी, मिस्टर चिप्स किस तरह से अपने डे स्पेंड करे थे आफ्टर रिटायरमेंट, कितने साल हो गए थे मिस्टर चिप्स को रिटायर होके वहाँ पे रहते हुए. तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.